देखो यार, अमेजन में इंडियन ग्रेट फेस्टिवल का सेल कब का चालू हो चुका है, लेकिन मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और इन दिनों मेरा वीडियो भी बहुत कम आप लोगों को देखने मिल रहा है। इसके लिए यार भाई लोग दिल से सॉरी। सो अब देखो यार, आज की इस वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ, अगर आपका बजट 20,000 है और आपको एक बढ़िया सा मॉनिटर चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल यूजेस के लिए चाहिए या फिर गेमिंग करना हो या फिर मल्टीटास्क एडिटिंग वगैरह कोई भी वर्कलोड हो, अभी तक आपको अगर 20,000 तक का गेमिंग मॉनिटर या फिर प्रोफेशनल मॉनिटर चाहिए और आपने अभी तक परचेस नहीं किया है, तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, जिससे आपको पता चल जाएगा। अभी 20,000 में काफी सारे डील चल रहे हैं, तो बहुत सारे मॉनिटर में देखने मिल जाएंगे आप लोगों को अच्छे अच्छे डील, लेकिन इस वीडियो में मैं उन्हीं मॉनिटर्स को इंक्लूड कर रहा हूं जो कि वन ऑफ द बेस्ट हैं, मतलब बेस्ट में भी बेस्ट। और हाँ यार, अगर आज इस वीडियो को आप लोग डील के बाद भी देख रहे हो, अमेजन ग्रेट फेस्टिवल डील के बाद भी, तो भी आप लोगों को एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आप लोग मॉनिटर परचेस कर सकते हो 20,000 के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट यहाँ पे मॉनिटर को रखा हुआ है, दैट इज LG अल्ट्रा गेयर। इस वाले मॉनिटर के डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले देखने मिल जाता है। इस मॉनिटर के डिस्प्ले HDR10 सपोर्टेड दिया गया है। 27 इंच का यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन साइज देखने मिल जाएगा। इसी के साथ साथ 99% sRGB भी देखने मिल जाता है। 400 nits का ब्राइटनेस है, तो ब्राइटनेस काफी अच्छा है। वैसे भी इसको आप लोग बहुत ज्यादा ब्राइटनेस में यूज नहीं करने वाले हो एकदम, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है। तो ओवरऑल आपका जो गेमिंग का एक्सपीरियंस रहेगा, स्पेशली अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते थे और आपको एक मॉनिटर चाहिए 20,000 के अंदर, तो यार ये आपके लिए काफी बढ़िया एक ऑप्शन रह सकता है। NVIDIA G-Sync दिया गया है इसमें और इसका जो रिफ्रेश रेट रहने वाला, दैट इज 144 हर्ट्ज। इसी के साथ साथ जो रिस्पांस टाइम दिया गया है, दैट इज 1 मिली सेकेंड, तो काफी बढ़िया है। IPS 1 मिली सेकेंड एंड 144 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ यहाँ पे ये वाला आप लोग मॉनिटर देखने मिल जाएगा, जो काफी बढ़िया है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। इसमें अगर कनेक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो HDMI का 2 पोर्ट दिया गया है, डिस्प्ले पोर्ट एंड हेडफोन आउट भी दिया गया है, तो काफी बढ़िया है। देखो यार, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आप लोगों को स्क्रीन पे देखने मिल जाएगा और वो आप वेबसाइट में भी जाके देख सकते हो। ओवरऑल अगर बात किया जाए मेरे ओपिनियन के बारे में, तो काफी बढ़िया है। अगर आपका बजट इस हिसाब से 17,000 के आसपास अभी है, तो आप इसको परचेस कर सकते हो। इसमें आप लोगों को एडिशनल फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो वो आप लोग वेबसाइट में जाके देख लेना। लगभग 6 kg का यहाँ पे रहने वाला है और इसका जो डील में प्राइस चल रहा है, दैट्स 18,350 रुपीज, और यहीं पे आप लोगों को 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे आप लोग डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड से आप लोग परचेस करते हो। तो इसका जो फाइनल प्राइस जो रहने वाला है, दैट इज 16,500 ओनली। तो यार देखो, इतने कम दाम में अभी जो डील चल रहा है, तो जल्दी से इसे ग्रैब कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट मॉनिटर, दैट इज लेनोवो L सीरीज। अब देखा जाए तो गाइस, इस वाले मॉनिटर में काफी अच्छे फीचर देखने मिल जाते हैं। ऊपर से गाइस यहाँ पे क्वाड्रा HD, यानी कि आप लोग इसको 2K डिस्प्ले वाला यहाँ पे मॉनिटर बोल सकते हो, बिकॉज इसमें 2560x1440p का रेजोल्यूशन देखने मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। अब यहाँ पे मैं अपने पुराने ख्यालात में आ चुका हूँ, मतलब पुराने स्टाइल में आ चुका हूँ, तो मैं इसी तरीके से वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है यार पीसी बिल्ड का वीडियो नहीं आ रहा है, तो भाई लोग मेरे बहुत जल्दी आएगा, बिकॉज काफी सारे मैंने वीडियो पीसी बिल्ड के बना चुके हैं और फिर कुछ अपडेट नहीं हुआ है मार्केट, तो यार मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छा अपग्रेड हो जाए, प्रोसेसर वगैरह नए नए आ जाए, तो फिर उसमें वीडियो बनाऊ। बात किया जाए इस वाले मॉनिटर के बारे में, तो 23 इंच का यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन देखने मिल जाता है। IPS और गाइस क्वाड्रा HD है, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 16.7 मिलियन कलर्स देखने मिल जाता है, 99% sRGB है और 300 nits का ब्राइटनेस भी दिया गया है, साथ ही साथ एंटी ग्लेयर है। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ बताने वाला हूँ कि इसको आप गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं लेना है आपको। अगर आप गेमिंग करते हो तो इसको आप स्किप कर दो, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ओनली 25 हर्ट्ज का यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिलता है। अगर आप एडिटिंग जैसा काम करते हो या फिर मल्टीटास्किंग, ऑफिस वर्क वगैरह, मतलब कुछ अलग काम करते हो, गेमिंग नहीं करना है, थोड़ा बहुत करते भी तो चल जाएगा, तब ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। नहीं तो और भी बहुत सारे मॉनिटर्स हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी बताने वाला हूँ। सुनाओ, बात किया जाए कनेक्टिविटी की, तो HDMI पोर्ट दिया गया है, इसी के साथ RDO पोर्ट भी इसमें दिया गया है। 3 ईयर की वन साइड वारंटी देखने मिल जाती है, यानी कि 3 ईयर की आपको वारंटी भी देखने मिल जाता है। काफी ज्यादा लाइट वेट है ये, 3 kg and 900 ग्राम का है। डील में इसका प्राइस है 18,909 रुपीज, 10% का आपको डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, जो कि सारे मॉनिटर्स में आपको देखने मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनल प्राइस बनेगा वो 70,999 रुपीज, तो इससे अच्छा और क्या ही मेरे भाई। अगर आप लोगों को इतने प्राइस में इतना अच्छा प्रोफेशनल मॉनिटर मिल रहा है, तो किस बात की देरी यार, क्योंकि यहाँ पे जो ये डील है कुछ ही समय के लिए है, कुछ ही दिनों के लिए है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा आप लोगों को, तो फिर बाद में लेने का कोई मतलब
नहीं बनता है बिकॉज इसका प्राइस भी हाई हो जाएगा। बात करें अगले मॉनिटर के बारे में तो अपने BenQ की तरफ से आता है, उसका मॉडल नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये 24 इंच का फुल HD IPS 175 हर्ट्ज वाला यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, जिसका रिफ्रेश रेट 175 हर्ट्ज का है। इसके साथ साथ 1 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम भी प्रोवाइड कराता है। ये तो टेक्निकल यहाँ पे इन्फॉर्मेशन या फिर स्पेसिफिकेशन हो जाते हैं। बाकी मुद्दे के बारे में बात किया जाए तो काफी बढ़िया है आप लोगों को, अगर आप यहाँ पे जैसे गेमिंग कर रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, और फोटोशॉप अडोब जैसे मतलब एडिटिंग का काम कर रहे हो फिर भी आपके लिए बहुत ही बढ़िया मिल जाता है आप लोगों को। HDRI का टेक्नोलॉजी यानी कि सपोर्ट दिया गया है। ये HDR10 नहीं है गाइस, आप लोगों को यहाँ पे मैं बता दूं, ये अलग से उनका कुछ इन बिल्ड टेक्नोलॉजी दिया गया है। 400 नीट्स का ब्राइटनेस दिया गया है, तो ओवरऑल ब्राइटनेस तो काफी बढ़िया है मेरे भाई। कनेक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो HDMI का 2 पोर्ट दिया गया है, तो काफी बढ़िया है, और भी बहुत सारे नेसेसरी पोर्ट्स दिए गए हैं। अदर फीचर्स के बारे में बात किया जाए तो TUV सर्टिफाइड है और AE केयर भी दिया गया है। और बात किया जाए इसके डील के बारे में, इसका फाइनल प्राइस के बारे में, तो यार देखो डिस्काउंट वगैरह सब कुछ मिला के आपको 70,000 में ये आराम से मिल जाएगा, तो कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ये सारे डील्स अमेजन में देखने मिल रहे हैं, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से परचेस करोगे आपके भाई का भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगा। तो जाओ यार वहां से परचेस कर लो। अगर आप लोगों को 20,000 तक का मॉनिटर चाहिए था तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है आपके लिए, आप जल्दी से ग्रैब कर सकते हो। अगर आप लोगों को लगता है कि 10,000 के अंदर भी बहुत अच्छे डील चल रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी बना दूंगा। सो बात किया जाए नेक्स्ट मॉनिटर, दैट इज MSI ऑप्टिक्स। इस वाले मॉनिटर के बारे में बहुत ज्यादा बताने की बिल्कुल मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, काफी सारे लोग इसको यूज भी करते हैं। आप में से कितने सारे लोग यूज करते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताना। डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए 27 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका पैनल रहने वाला है IPS 175 हर्ट्ज का, यहाँ पे रिफ्रेश रेट मिल जाता है। ये शायद एक कॉर्ड है तो काफी बढ़िया देखने मिल जाता है, ये कॉर्ड मॉनिटर है तो कर्वेड इसका बहुत अच्छा दिया है, जो कर्वेड होता है काफी बढ़िया होता है गेमिंग के लिए स्पेशली, तो इसमें 1 मिलीसेकंड का रिस्पांस टाइम भी दिया गया है। गेमिंग के लिए तो यार रिस्पांस टाइम भी सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि यार इसकी ही बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये होता क्या है कि जब भी आप क्लिक वगैरह करते हो तो उसको 1 मिलीसेकंड में ये रिफ्रेश करता है, उसी को हम लोग रिस्पांस टाइम बोलते हैं। सो गाइस बात किया जाए कनेक्टिविटी की तो यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट के साथ साथ HDMI भी दिया गया है, और इसके वेट के बारे में बात किया जाए तो 5 kg and 400 grams का दिया गया है, तो वेट थोड़ा सा ज्यादा है, बट देखो यार स्पेसिफिकेशन वगैरह और इसमें मसाले भी तो भर भर के भरे हुए हैं, तो यार वेट तो बनना जाहिर सी बात है। यहाँ पे फाइनल प्राइस के बारे में बात किया जाए तो आप लोगों को 70,000 में सारे डिस्काउंट्स मिला के देखने मिल जाएंगे, तो काफी बढ़िया डील है यार। अगर आप लोगों को गेमिंग करना है, स्पेशली कॉर्ड डिस्प्ले अगर आपको चाहिए, तो काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको प्रोवाइड करता है, और आपका गेमिंग का जो एक्सपीरियंस होगा बहुत ही बढ़िया नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, स्पेशली आप ई-स्पोर्ट जैसा गेमिंग करते हो तो ये आपके लिए काफी बढ़िया एक मॉनिटर हो जाता है। बात करें नेक्स्ट मॉनिटर के बारे में तो यार इसको मैं देखो लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा यार कर दिया जाएगी, बिकॉज ये एक तो बहुत ही रेयर ब्रांड है और ऊपर से काफी बढ़िया मुझे लगा था, मुझे उतना ही बढ़िया नहीं लगा। अगर आप लोग गेमिंग करते हो, कंटेंट क्रिएटर हो, तो यार इसको स्किप करो इस पार्ट को, बिकॉज इसको आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर आप लोग गेमिंग करते हो, मैं अभी बोल दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो बाद में। यहाँ पे बात किया जाए नेक्स्ट मॉनिटर के बारे में, दैट इज डेल प्रोफेशनल। तो यहाँ पे ये मॉनिटर का ही नाम है डेल प्रोफेशनल, आप लोगों को पता ही होगा कि ये प्रोफेशनल तो है ही, क्योंकि इसका नाम ही प्रोफेशनल है। तो 27 इंच का यहाँ पे आप लोगों को डिस्प्ले मिल जाता है, डिस्प्ले यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले दिया गया है IPS पैनल के साथ, और इसका जो प्राइस है शायद 20,000 के आसपास है, तो मुझे थोड़ा सा डिसपॉइंटेड लगा, बिकॉज यार 20,000 में यू नो 1080p आप लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन मिल रहा है, जो कि जस्टिफाई नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर मैंने देखा इसमें 100% sRGB, एक प्रोफेशनल जो यहाँ पे इस पे जो रिव्यू भी आप लोगों को मिलेंगे काफी अच्छे मिलेंगे, पॉजिटिव ही मिलेंगे, नेगेटिव बहुत ही कम इसका रिव्यू दिया गया है, तो मैंने सोचा यार काफी बढ़िया मॉनिटर ये हो सकता है उनके लिए जो कि ऑफिस यूज, जैसे कि आप लोग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो, एडिटिंग वगैरह कर रहे हो, फिर भी ये बहुत बढ़िया है। 1080p का मिलता है, ये डेल की तरफ से है। वैसे तो आप लोगों को डेल की तरफ से ज्यादा मॉनिटर देखने नहीं मिलते हैं, एक लौता यही मुझे अच्छा लगा डेल की तरफ से, उतना भी अच्छा नहीं लगा, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, मुझे अच्छा लगा इसका डील, तो मैंने बताया आप लोगों को। कनेक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो टोटल USB पोर्ट्स दिया गया है जो कि 5, जैसा कि मैं आप लोग बताया कि प्रोफेशनल मॉनिटर होने वाला है, तो जिसमें अलग अलग तरीके से आप ऐड कर सकते हो अलग अलग, तो इसलिए इतना सारा पोर्ट्स वगैरह भी इसमें भी दिया गया है, और 400 नीट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है, HDMI पोर्ट वगैरह सब कुछ है। इसका जो वेट है वो 6 kg का है, और इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह सब कुछ लगा के 18,000 में आपको आराम से देखने मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बात करा जाए नेक्स्ट मॉनिटर के बारे में तो दैट इज Acer Nitro, इसका मॉडल नंबर आप लोगों को स्क्रीन में देखने मिल जाएगा। इसमें गाइस 27 इंच का IPS WQHD डिस्प्ले देखने मिल जाता है, जिसे आप 2K डिस्प्ले कह सकते हो, 2560x4040p का
रिजुलेशन देखने को मिल जाता है। काफी अच्छे यहाँ पे डिश वाले इसमें प्रोवाइड किए गए हैं एसर की तरफ से। इसमें गाइस HDR10 का भी सपोर्ट दिया गया है और 400 nits का ब्राइटनेस, इसके साथ साथ कलर गेमिंग विड्थ 95% PCI3 दिया गया है। इसका जो रिफ्रेश रेट रहने वाला है दैट इज 170 Hz का। तो गाइस इसमें 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम भी मिल जाता है ओवरऑल दिखने में। और गाइस इसका जो कलर करेक्शन है मुझे बहुत बढ़िया लगा, बिकॉज मैं इसको पर्सनली परचेस करने की सोच रहा हूँ, बट अगर परचेस करूंगा तो मैं आप लोगों को रिव्यू वीडियो दिखा दूंगा। तो गाइस इसका हाइट एडजस्ट भी आप लोग कर सकते हो। कनेक्टिविटी के बारे में बात किया जाए तो 2 HDMI पोर्ट देखने मिल जाते हैं आप लोगों को और बाकी सारे भी नेसेसरी पोर्ट दिए गए हैं। TUV सर्टिफाइड इन AE केयर्स भी इसमें दिया गया है। इसके डील प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 21,999 का है, लेकिन सारा डिस्काउंट वगैरह मिला के आप लोगों को 19,799 में आपको देखने मिल जाएगा। तो 2,119 का आप लोग इतना पैसा आप लोगों का बच रहा है। तो यार देखो अभी आपका टाइम है, अभी आप परचेस कर लो, जो भी चीजें परचेस कर रहे हो लाइक लैपटॉप वगैरह भी परचेस कर रहे हो तो यही टाइम है, इसी टाइम पे आप लोग परचेस कर लो, बिकॉज डील जब चलता है तभी आप लोगों को ऑनलाइन परचेस करना चाहिए एसेसरीज या फिर आप लोग जो भी परचेस कर रहे हो लैपटॉप वगैरह गैजेट्स वगैरह, क्योंकि देखो ऑनलाइन आप परचेस करोगे तो डील में आप लोगों को काफी बढ़िया देखने मिल जाता है। नाउ द लास्ट मॉनिटर दैट इज Samsung 27 inch, तो इसका आप लोगों को मॉडल नंबर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात करें जो इसका डिस्प्ले के बारे में तो इसका डिस्प्ले तबाही है। अगर आप लोग 1080p लेवल का गेमिंग, मतलब गेमिंग का वो मतलब होता ना एकदम नेक्स्ट लेवल की गेमिंग करना चाहते थे, ये वाला मॉनिटर आपके लिए है। अगर 20,000 आप इसमें लगा सकते हो, क्योंकि गाइस देखो 27 इंच का एक मॉनिटर आप लोगों को देखने मिल जाता है, ये वाला जो मॉनिटर है इसमें आप लोगों का कलर वगैरह काफी अच्छा है, HDR10 है। हाँ मैं मानता हूँ कि 2K डिस्प्ले नहीं प्रोवाइड करता है, बट देखो यार 20,000 में आप लोगों को ना 2K डिस्प्ले मिलते भी हैं तो उतने अच्छे नहीं मिलते मेरे भाई। आप लोगों को थोड़ा सा पैसा आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आप लोगों को 2K लेवल की एक्सपीरियंस करनी है तो। इसकी सबसे अच्छी बात है कि गाइस यहाँ पे 240 Hz का यहाँ पे रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा होता है। मतलब सोच सकते हो कि यार किस लेवल का आप गेमिंग कर सकते हैं इसमें। और उसी के साथ साथ 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम भी दिया गया है। फ्लैट एकदम बॉडी है इसका, बहुत ही बढ़िया है। इनविडिया G-Sync दिया गया है और एक अल्ट्रा वाइड मॉनिटर है, तो ओवरऑल गेमिंग का एक्सपीरियंस जो होगा ना बहुत ही ज्यादा शानदार आप लोगों को देखने मिल जाएगा। बात करें जो इसके कनेक्टिविटी के बारे में तो यहाँ पे 2 HDMI पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बाकी सारे नेसेसरी पोर्ट्स भी दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात की ऊपर से बहुत ही बढ़िया यहाँ पे डिस्प्ले प्रोवाइड करता है और इसका वेट भी 3 kg का है, तो 3 kg and 600 grams का दिया गया है। तो गाइस इसके फाइनल प्राइस के बारे में बात किया जाए तो 20,879 में आप लोगों को मिल जाएगा। ये एग्जैक्ट प्राइस है गाइस आप लोग का एडिशनल डिस्काउंट वगैरह मिला के। अगर बात की जाए रेगुलर प्राइस की तो 23,000 के आसपास शायद मिलता होगा, शायद मिल रहा है, आप लोग इसको ग्रैब कर सकते हो, लेकिन ये भी डील में है, बिकॉज डील के बाद इसका प्राइस बहुत ही महंगा हो सकता है। आप सोच ही सकते हो कि इसमें किस तरीके का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है सैमसंग। सैमसंग काफी बढ़िया ब्रांड है और अपने मॉनिटर्स के लिए जाने जाते हैं, LG और सैमसंग ये दोनों ब्रांड। तो ये थे गाइस जो कि आप लोग 20,000 में अपने लिए एक बहुत ही बढ़िया मॉनिटर अगर परचेस करने की सोच रहे थे तो दीज आर दी बेस्ट मॉनिटर्स। सो देखो यार अगर आप लोग को 20,000 तक के प्राइस रेंज में काफी बढ़िया मॉनिटर चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनल यूजर्स के लिए हो या फिर गेमिंग के लिए, तो आप इनमें से किसी भी मॉनिटर को ले सकते हो जो कि आप लोगों को काफी अच्छा पसंद आए। उसका एडिशनल रिव्यू भी आप जाके देख सकते हो, काफी कुछ उसका मतलब देख लो तभी आप लोग परचेस करना। सो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं आप लोग कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। सो मुझे लग रहा है कि PC बिल्ड पर अब वीडियो बनाना पड़ेगा बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। सो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर ला इसी तरीके से नए नए वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।